Sim. इसको पॉजिटिव लो, बात बराबर है, ठीक है बेटा। किसी को भी ले सकते हो,
यहां से यहां तक हमने क्या लिया वी, ओके तो इधर वाला क्या हुआ वी वन, इधर वाला हुआ वी टू। आई बोल लो कि नेगेटिव टू दिस वन, हम लोग इसको प्लस भी लेते हैं, बाकी दोनों का माइनस भी होगी, ओके बिकॉज वो बोला पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, और ये बोला नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव वालों को प्लस बोलते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला क्या होगा माइनस हो, अंडरस्टूड यही वाला बात। तो डायरेक्शन पता चल गया बेटा, ठीक है, जो टेंथ में पढ़े थे उसी चीज का ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कभी कभार डायरेक्ट कोई बोल देते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ऐसे ऐसे बोला जाता है। तो अभी देखोगे ये वाला तो क्लॉक वाइज ही हुई, ओके इसका कोई बात ही नहीं है, ठीक है बेटा, डायरेक्टली इस तरीका से तुम्हें पता चल जाएगा, ओके आई वन लोग। दूसरा एक पार्ट बता, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ पार्ट बता दो, मान लो इजिएस्ट तरीका से समझने का ये वाला आई वन करेंट है, ये वाला आई टू करेंट है, ये तो आई वन ही जाएगा, आई वन करेंट इसी जगह पे जा रहा है, तो इधर पे चला गया तुम्हारा आई टू करेंट, यहाँ पे कितना बचेगा आई वन माइनस आई टू, वही जो जॉनसन रूल है उसी को अप्लाई कर दी। तो अब इसका डायरेक्शन मतलब ऐसा है, तो नेचुरली इस डायरेक्शन में कितना चला जाएगा, यहाँ पे मतलब आई वन चला जाता है, इस साइड आई वन चला जाता है, तो यहाँ पे कितना रहेगा बेटा आई टू, यहाँ पे आएगा कभी, यहाँ पे आई वन जाएगा क्योंकि यहाँ से आई वन माइनस आई टू आ रहा है और यहाँ पे आई टू आ रहा है, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू प्लस कितना होगा आई वन, तो सर्किट पूरा हो गया किधर, इस जगह पे कितना आ रहा था आई वन प्लस आई टू, ज्वाइन कौन किया आई टू, तो आई वन माइनस आई टू प्लस आई टू इक्वल टू कितना होगा आई वन हो गया। इसी तरीका से इसी रूल को अप्लाई करेंगे इसका रूल, अंडरस्टूड। अभी देखो ये भी आई वन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गई, क्लियर, तो देखो इसका सम चेक करेंगे आई वन प्लस आई वन माइनस आई टू, और ये वाला कौन सा है दैट इज आई वन, इसका सम क्या होगा जीरो हो जाएगा, ओके। और दूसरा इस केस में मतलब इस जगह, और दूसरा देखोगे इस वाले को पॉजिटिव बोले ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये वाला कौन सा होगा नेगेटिव होगा, इसका डायरेक्शन देखो इधर है ना ऐसी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, इस रूप में इसका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, इसका ये वाला एरो कैसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ है, हमने कैसे लेंगे आई टू, ओके और इस वाले का ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन इसका ऐसा करके हम ऊपर है, इसका साइन क्या होगा नेगेटिव का होगा, बिकॉज सारे क्लॉकवाइज हुआ, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा घूम रहे और ये वाला ऐसा, अंडरस्टूड। तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव ये वाला क्या होगा नेगेटिव, अंडरस्टूड। बस अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं लेकिन कोई चेक करके बैठ जाते हैं और लास्ट में तक